Hey guys, welcome to another delicious session from Let's Cook It. Tandoori chicken is one of the most loved chicken recipe across India. Well, today I'll show you the easy way to make tandoori chicken at home, and that also without oven and without tandoor. So let's get started. Tandoori chicken banane ke liye hame chahiye chicken. हाफ कप कर्ड, ब्लैक पेपर पाउडर, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला पाउडर, टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट। पहले हम अपने चिकन पीसेस में डीप कट लगा देंगे ताकि जब हम मैरिनेट करें तो इसमें मसाले अच्छे से अंदर तक पहुंचे। मैंने सारे चिकन पीसेस में कट लगा दिया है। अब इसे हम मैरिनेट करते, पहले ऐड करते इसमें कर्ड। गरम मसाला पाउडर, टर्मरिक पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर। अब इसे हम अच्छे से मैरिनेट करेंगे और इस तरह से करेंगे कि जो मैरिनेशन जो मसाला है वो अच्छे से हर कट के अंदर पहुंचे। हमें अच्छे से मैरिनेट करना है। अब इसे हम रेफ्रिजरेटर में हाफ एन आवर के लिए छोड़ देते हैं ताकि अच्छे से ये मैरिनेट हो जाए, उसके बाद आगे के प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। आधे घंटे हो गए, हमारा चिकन भी अच्छे से सेट हो चुका है, अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब इसे हम रोस्ट करेंगे ग्रिल पैन पे। मैंने एक ग्रिल पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, उसे ऑलरेडी हीट कर लिया है। अब इसमें हम चिकन पीसेस डालेंगे। चिकन के सारे पीसेस को मैंने पैन में ऐड कर दिया है। इसे हम कम आंच पर पकाएंगे और बीच बीच में इसे फ्लिप भी करेंगे ताकि ये सारे साइड से अच्छे से पक जाए। अब अपने चिकन पीसेस को हम फ्लिप कर देंगे। इसे हमें हर साइड से पकाना है। इसे हमें अच्छे से पकाना है कम आंच पे ताकि हमारा चिकन जो हो सॉफ्ट भी हो, जूसी भी रहे, इसका टेस्ट भी अच्छा रहे। इसे फिर थोड़े देर में हम फ्लिप करेंगे। हमारा तंदूरी चिकन रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे से चारों साइड से पक चुका है। अब फ्लेम ऑफ करेंगे और इसकी प्लेटिंग करेंगे। Our yummy tandoori chicken is ready. You please try at home, do give your feedback, like our video, and please subscribe our channel so that you will be aware of all our latest updates. We'll be back soon with another mouth-watering recipe. Till then, keep watching and enjoy cooking.